हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिशा स्टाइल। और आज का वीडियो तो आपको कैप्शन देख के पता चल ही गया होगा कि किस पर है, बट उससे पहले मैं सबको बोलना चाहती हूँ बिग 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 थैंक यू, क्योंकि मेरा सूरत वाला ब्लॉग 10K ऑलमोस्ट अभी तक, जब तक मैं ये वीडियो आ जाएगा तब तक 10K पहुँच चुका होगा। तो उस पर इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू। और जो मेरा अभी मैंने 4 मीनार का वीडियो शूट किया था, अगर आपने वो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी और आई बटन पे भी दे दूंगी। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले वो जाकर देखिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने उसमें मेंशन करी है, बहुत सारी चीज़ों की प्राइस मैंने वहाँ पे मेंशन करी है। क्योंकि यहाँ पर मैं उसी चीज़ों की प्राइस बताने वाली हूँ जो कि मैंने ली है, मैंने परचेस की है वहाँ पर। हाँ, वन ऑफ द चीपेस्ट मार्केट है हैदराबाद में, वहाँ पे बहुत ही रीजनेबल रेट में सारी चीज़ें मिल जाती है। तो मुझे लेना था बहुत कुछ, बट मैं शूट करते करते रात हो चुकी थी तो मुझे फिर इतना मज़ा नहीं आया लेने में, क्योंकि कुछ भी ढंग से एक तो दिखता नहीं है रात में, वो लाइट में अलग ही चमक दिखती है, तो मुझे वैसे लेना पसंद नहीं है। डे लाइट में आप जब जाओ अच्छे से चीज़ें अच्छे से देख के लो, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें, क्योंकि लॉट में आती है, बहुत सारी चीज़ें होती है चीप प्राइस में मिलती है, तो बहुत सारी चीज़ें डिफेक्टेड होने का भी चांसेस है, तो आप जब भी जाए दिन में जाए और मेक श्योर करें कि हर एक चीज़ सही है, आगे पीछे घुमा कर देख ले। और एक मेन चीज़, वहाँ पर हर जगह बार्गेनिंग होती है। हाँ, कहीं कहीं पर फिक्स रेट लिखा होगा, वहाँ पर भी आप एक बार पूछ ले कि बार्गेनिंग होती है या नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट हर जगह जहाँ से मैंने चीज़ें खरीदी है वहाँ हर जगह मैंने बार्गेनिंग की है। और बार्गेनिंग करके ही दो, आई एम वेरी बैड एट बार्गेनिंग, मुझे बिल्कुल भी नहीं आती, और मेरे हस्बैंड बिल्कुल ही ऑपोजिट है मुझसे, उनको बहुत अच्छे से बार्गेनिंग आती है। बट हाँ, मुझे जितना आता था, क्योंकि मेरी सिस्टर भी साथ में थी तो हम लोग साथ में गए थे और उसको बार्गेनिंग बहुत अच्छी आती है, तो उसने सारी बार्गेनिंग कर रही थी और वो ले रही थी सारी चीज़ें। तो मैं एक एक करके आपको सारी चीज़ें दिखाती हूँ, और या वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि लास्ट में एक मैसेज है जो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ। तो ये वीडियो एंड तक देखना, स्किप मत करना, मैं हर एक चीज़ की प्राइस आपको बता दूँ। मैंने बहुत सारी चीज़ें नहीं ली है, बट जितनी भी ली है मैं आपको उसका प्राइस के साथ सारी चीज़ें दिखाती हूँ। ऑलराइट, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो मैं सबसे पहले यहाँ पर क्लोथिंग से स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि मैंने एक्सेसरीज भी ली। मैंने इन द सेंस कि हम 3 लोग गए थे तो हम तीनों ने ही थोड़ी थोड़ी कुछ कुछ चीज़ें शॉपिंग करी है, बट सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको क्लोथिंग के बारे में बता रही हूँ कि मैंने क्लोथ्स में क्या क्या लिया है। तो सबसे पहले जो मेरा दिल लग गया था और मैंने ब्लॉग में भी बताया था, वो है ये कुर्ती। ओके, तो इस तरीके से है, ये पीछे से थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट है, बट आगे से इतना ज़्यादा वो क्या बोलते हैं इसको, वो जो टिकी वाला पूरा काम होता है, हाँ, हैंडवर्क है पूरा, और यहाँ पे पूरा ये एम्ब्रॉयडरी वर्क है, तो मुझे ये बहुत ही पसंद आई। एंड इट्स फॉर 200 ओनली, हाँ 200 की मुझे मिली है ये, इसका फिक्स रेट था, उसका उसने कुछ भी कम नहीं किया। तो ये कुछ कुछ चीज़ें ऐसी है जिसमें वो लोग फिक्स रेट, मतलब आप बोलो तो भी नहीं करते हैं, तो आप मेक श्योर करें कि फिक्स रेट है, फिर भी आप एक दो बार पूछ लें कि बार्गेनिंग करते हैं या नहीं, ठीक है। तो ये है 200 रुपीज़ में, और ये मेरे पास, मैंने एक बॉटम मंगाया था मिंत्रा से, मैंने अपने लिए और मेरी नंदन जो है दीपिका के लिए, दोनों के लिए मंगाया था, बट अनफॉर्चुनेटली जो वाइट एंड ब्लैक में मंगाए थे, वाइट पूरा ट्रांसपेरेंट आ गया, बट ब्लैक बहुत अच्छा था, जो उसने मुझे दे दिया कि आप रख लो, मैं बाद में ऑर्डर कर देती हूँ। इतना मस्त है वो, जो सिगरेट पैंट जिसको बोलते हैं वो मैंने लिया है, पाकिस्तानी पैंट जिसको बोलते हैं वो लिया है मैंने, तो बहुत ही खूबसूरत है। और उसके ऊपर पहनने के लिए मेरे पास कोई भी कुर्ती नहीं थी, मैंने हाँ बॉटम पहले ले लिया था, कुर्ती मैंने अभी देखी, मुझे पसंद आई कि ये उस पर जाएगा, तो मैंने ये ले लिया है। कभी मैं पहनूंगी तो मैं पूरा फोटो अपलोड करूंगी। एंड या इफ़ यू गाइज नो मी, तो आपको ये भी पता होगा कि मैं इंस्टाग्राम पर बहुत ही एक्टिव रहती हूँ, वहाँ पर हर एक चीज़ की मैं अपडेट देती हूँ, तो अगर आप मुझे फॉलो नहीं करते तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, आप जाइए और अभी मुझे फॉलो करिए, क्योंकि वहाँ पे आपको सारी अपडेट मिलेंगी। ओके, तो ये है फर्स्ट आइटम जो कि मुझे बहुत ही पसंद है। उसके बाद हमने ली थी ये, इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, स्कार्फ बोलते हैं या फिर जो ऐसे डालते हैं, पूरा दिखाती हूँ मैं, इस तरीके से है ये, जो आप मतलब अलग अलग चीज़ों में यूज़ कर सकते हो, या वन पीस पहना है कोई, या फिर टॉप ऐसा पहना है आपने, तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। और ऐसा मेरे को ये लेना था, और इसमें देखो ऐसे ऐसे झुमके भी लगे हुए,
ओके। और यहाँ पर ये बटन आता है, ये बटन मैंने 3 बार चेंज कराया, उसके पास अलग अलग थे बट लास्ट में मुझे ये पसंद आया तो मैंने ये लगवाया। ये अगर आपको दूसरा चाहिए तो भी वो लोग दे देंगे। और ये उसने मुझे प्राइस बताया था 150 बट मैंने ली है 2, एक ये है और एक ये है। तो एक मैंने ली है, एक मेरी सिस्टर ने ली है, गीत दीदी ने ली है, तो ये 2 है। और ये इसका स्काई ब्लू बटन है और इसका ये ऑरेंज कलर का है, पता नहीं इसमें से कौन सी मैं रखूँगी बट या ये दोनों है मैंने ली है। और बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट है। और ये उसने 150 बोला था बट बार्गेनिंग करने के बाद हमने ये 100 रुपीज़ में ली है, तो इट्स अ ग्रेट डील। 100 रुपीज़ में स्कार्फ आप मॉल में देखते हो 250 से स्टार्ट होते हैं बट 100 रुपीज़ में इतना अच्छा वो भी इसके साथ मिल गया, आई एम वेरी हैप्पी। तो या ये है 2 चीज़ जो मैंने ली है। और अभी मैं दिखा रही हूँ ये एक वन पीस बोल दो आप, वन पीस टाइप की चीज़ है ये, इस तरीके से है। ओके अगेन ट्रांसपेरेंट है थोड़ा, आपको अगर कुछ पहन दो तो मतलब इनर वगैरह पहनना पड़ेगा अच्छे से। तो ये एक्चुअली आपने ब्लॉग में भी देखा होगा कि ये गीत दीदी का है, ये गीत दीदी ने परचेस किया है। और ये आई थिंक हमने 3 टाइम इसको मतलब चेंज करा है, इसको ब्लैक पसंद था, उसकी पैटर्न पूरी अलग थी और ये पसंद था, इसकी पैटर्न पूरी अलग थी, तो वो दोनों ही नहीं चॉइस कर पा रही थी तो उसने फाइनली ये चॉइस किया था। और इसका प्राइस है 500 रुपीज़ और ये भी फिक्स रेट में मिला है मुझे, इसका भी कोई बार्गेनिंग नहीं हुआ है। तो ये इस तरीके से दिखता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है पहनने के बाद, ये उसने एक बार ट्राई कर लिया है। तो या और हम लोग में ऐसा मतलब कपड़े वपड़े एक दूसरे के चलता है सब कुछ, तो मेरी भी पसंद शामिल होनी चाहिए क्योंकि वो अकेले नहीं पहनने वाली, मैं भी कभी कभार पहन लेती हूँ। तो ये इस तरीके से है, बहुत ही खूबसूरत है बट हाँ एक चीज़ है कि थोड़ा ट्रांसपेरेंट है तो आपको इनर अंदर वेयर करना पड़ेगा। तो ये था 500 रुपीज़ का। ओके नेक्स्ट नेक्स्ट है ये, नेक्स्ट एक सेट है पूरा कुर्ती और प्लाजो का, जो कि वहाँ पे आई थिंक मैं बोलूँ कि 10 में से 7 दुकान जो थी वो कुर्ती एंड प्लाजो हो या फिर खाली कुर्ती या फिर खाली वन पीस, ऐसी चीज़ों में ऐसे पूरा राउंड करके लटकाया गया था, उसी के शॉप्स थे। और वहाँ पे भी कहीं कहीं पे फिक्स रेट थे, ये भी जहाँ से मैंने लिया है वो फिक्स रेट है बट आई एम नॉट वेरी हैप्पी क्योंकि मैंने वहाँ पे तो कुछ ट्रायल करने का होता नहीं है, आपको जस्ट ऐसे ही यू नो जस्ट इमेजिन करके लेना पड़ता है, फिर साइज़ थोड़ा ऐसे चेक करके लेना पड़ता है क्योंकि वहाँ पे कुछ चेंजिंग रूम वगैरह नहीं होता है। तो ये ऐसी कुर्ती है और क्यों मुझे ये डील नहीं पसंद आई वो भी मैं बताऊँगी आपको। तो ये है ऐसे कुर्ती है, बहुत ही सॉफ्ट है, कॉटन है और ये XL साइज में था, वहाँ पे लार्ज भी था बट मैंने सोचा कि रिस्क नहीं लेना क्योंकि मैंने ये इस तरीके से ली थी कि ये मम्मी मेरी जो मम्मी है वो पहनेगी, तो मैं इस तरीके से ली थी तो मुझे उनका साइज़ एग्जैक्टली नहीं पता था, तो मैंने थोड़ा लूज साइज़ ले लिया कि अगर स्टिच कराना पड़े तो भी हो जाए। तो ये इस तरीके से कुर्ती है पूरी येलो, आजकल पता नहीं मुझे येलो और ग्रीन बहुत ही प्यारे लगने लगे, तो इस तरीके से है, इसकी लॉन्ग स्लीव है। ओके और इसके साथ इसकी पैर में है ये प्लाजो और ये मैंने सच्ची बताओ ये पोलका डॉट देख के ही मैंने लिया था क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद आ रहे थे, मैंने सोचा था कि कुर्ती मम्मी पहन लेगी प्लाजो मैं पहन लूँगी बट अनफॉर्चुनेटली ये प्लाजो बहुत ही यहाँ से बहुत ही टाइट है, आई डोंट नो वाई, मतलब मेरे सारे प्लाजो ऐसे हैं मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे इतना टाइट क्यों हो रहा है। ठीक है तो ये यहाँ से थोड़ा सा मुझे टाइट हो रहा है तो इसीलिए मैं खुश नहीं हूँ कि ये मेरे को गलत पड़ गया, क्योंकि अगर मैं खाली कुर्ती लेने चाहती तो मुझे 200 में इजीली कुर्ती, ये वाली कुर्ती तो मुझे शायद 170 या फिर 160 में भी मिल जाती बट मैंने ये देख के लिया था कि पूरा पैर है चलो बन जाएगा, दोनों का मैच अच्छा लग रहा था दूर से दिखने में बट ये मैंने घर आके ट्राई किया तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइट हो रहा है, तो ये अब मुझे मतलब वहीं या तो पड़ा रहेगा या फिर किसी को देना पड़ेगा। तो इस तरीके से और ये मुझे पड़ा था 300 में, हाँ अगर मैं खाली कुर्ती लेती तो मुझे शायद बहुत ही कम में मिल जाता बट मैंने प्लाजो की वजह से लिया और मुझे ये डील महंगी पड़ गई। ओके तो ये अगर आप सेट पूरा लेते हो तो पूरा देखिए कि आपको आता है नहीं आता है उसके ऊपर नीचे, ठीक है। ओके चलो नेक्स्ट, तो नेक्स्ट मैंने ये लिया है जिसकी मतलब मुझे बहुत पसंद आया पर्सनली ये चीज़, और मैंने देखा मुझे लेना था एक ऐसा नाइट का जो
लॉन्ग टी शर्ट्स रहते हैं मुझे, वो रात में थोड़ा कंफर्टेबल होके सोना अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है, तो उस वजह से हम कंफर्टेबल क्लोथ्स ढूंढते हैं, कंफर्टेबल कपड़े ढूंढते हैं, तो उस तरीके का मुझे कुछ दिखा था। और मेरे जो नाइट ड्रेस है ऑलमोस्ट सारे पुराने हो चुके हैं, तो मुझे कुछ ऐड भी करना था, तो मैंने ज़्यादा तो नहीं लिया, मुझे 2-3 लेने थे, बट उसके पास ज़्यादा डिज़ाइंस अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने ये लिया है। और ये क्यों लिया है ये आपको देख के पता चल जाएगा। ओके, तो ये इस तरीके से है और इसमें लिखा है मून ऑफ माई लाइफ। ओके, तो बेसिकली स्टोरी ये है कि मैं जब हैदराबाद आई थी नई यहाँ पर, तो मेरा टाइम पास नहीं हो रहा था, और मैंने तब जीओडी देखना स्टार्ट किया था, गेम ऑफ थ्रोन। तो गेम ऑफ थ्रोन में जो खलीसी होती है वो अपने हस्बैंड को बोलती है मून ऑफ माई लाइफ। ओके, या फिर उसका हस्बैंड बोलता है, आई एम नॉट श्योर, बट हाँ ऐसा बोलते हैं। तो मुझे वो दोनों बहुत ही प्यारे लगते थे, बहुत अच्छे लगते थे, और यहाँ पे गेम ऑफ थ्रोन भी लिखा हुआ है, तो इस वजह से मुझे ये बहुत ही पसंद आया। इतना कम्फी है, इतना लॉन्ग है, मतलब ऐसे वन पीस भी पहन सकते हो आप, इसके नीचे शूज़ वूज पहनो तो मतलब बन सकता है ये वन पीस टाइप भी, बट मैंने ये लिया है नाइट ड्रेस के हिसाब से, और ये इसका मटेरियल जो है वो काफ़ी मेरे को सॉफ्ट सॉफ्ट लगा, इसलिए मैंने लिया। और मेन चीज़ ये थी जो इसमें लिखावट है, जो इसमें ये सारी चीज़ें दी गई है, तो मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो मैंने ये लिया। बट इस हिसाब से मुझे और कुछ मिला नहीं, तो मैंने सिर्फ एक ही लिया। ओके, नेक्स्ट, तो अब मेरे और दीदी के सारे कपड़े ख़त्म हो गए, हमने इतना ही लिया था, क्योंकि मैं शूट करके मैं जब उसमें, अगर आपने देखा होगा चार मीनार में ऐसे एल शेप में पूरा मार्केट है। ओके, तो हम लोग ने एक पार्ट कंप्लीट किया, फिर यहाँ पे चार मीनार, फिर वहाँ से लेफ्ट साइड में पूरा मार्केट है, बट हम लोग ने एक पार्ट कवर किया तभी ही मतलब अंधेरा होना स्टार्ट हो गया था। तो हम जिस तरफ से हमें लेना था, जिस तरफ से लोकल सारे वेंडर्स बैठते हैं, वहाँ से हम लोग कुछ ज़्यादा खरीद नहीं पाए थे, बट इतना भी लिया बहुत है मेरे लिए, तो क्योंकि क्लोथ्स मेरे पास इतने हो गए। मेरे को मेरी दोनों मम्मियाँ बोलती हैं, मेरी सास और मेरी मम्मी दोनों बोलती कि तू कपड़े अब बस कर दे, तो कितने कपड़े लेगी, मेरे पास इतने कपड़े हुए। बट जो भी मेरे को अच्छा लगा, एक दो चीज़ें ही लिए, और आगे अब मेरे कपड़े ख़त्म हो गए। अब मैंने लिया है अपने भाई के लिए, क्योंकि मैं हमेशा जाती हूँ तो मैं कुछ ना कुछ किसी ना किसी के लिए भेजती हूँ, तो अभी भाई के लिए मैंने ये लिया है। ये सीके का मेरे को ऊपर टंगा हुआ था, और मेरे को ये 3 शेड में बहुत ही प्यारा लगा, और मेरे भाई को ऐसा कुछ नहीं है कि ब्रांडेड चाहिए एंड ऑल, मैं जो भी प्यार से देती हूँ वो पहन लेता है, तो फिर मैंने सोचा कि उसके लिए भी कुछ ना कुछ ले लूँ। तो ये टी शर्ट मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी, ये एस साइज़ में है, बट उसने बोला कि ये एल साइज़ है, इसमें स्टिकर गलत लगा हुआ है, और मैंने देखा भी था कि हाँ ये है तो एल साइज़ में, क्योंकि एस का बहुत ही स्मॉल साइज़ आता है, तो वहाँ पे ऐसी चीज़ें होती है, साइज़ भी देख के लेना पड़ता है। तो यह इस तरीके से है, और ये मुझे पड़ा था, ये उसने 200 में बोला था, बट लास्ट उसने मुझे 170 में दिया है, 170 में ये पड़ा है मेरे को, और मतलब मैं चाहती तो 150 में भी शायद वो मुझे दे देता, बट जो मैंने पैसे दिए थे उसके पास जो 20 रुपीज़ थे वो खुले ही नहीं थे, तो इस वजह से मुझे छोड़ना पड़ा 20 रुपीज़ में। अब यहाँ पे टाइम वेस्ट करूँगी तो और जगह लेट हो जाएगा, तो इस वजह से मैंने फिर जाने दिया, और 170 में ही पड़ा है। मुझे बहुत ही प्यारा, मेरे को ये 3 कलर बहुत अच्छे लगते हैं। ओके ओके, तो ये थी सारी क्लोथिंग जो कि मैंने ली थी वहाँ से, या फिर आप बोलो कि सबका मिला के, भाई का, मेरी सिस्टर का, मेरा, सबका मिला के हम लोग ने लिया था। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ एक्सेसरीज़ का। एक्सेसरीज़ हमने थोड़ी बहुत ज़्यादा नहीं ली है, थोड़ी बहुत ही ली, मुझे एक्चुअली मैं वहाँ पे स्पेशली गई थी झुमके लेने के लिए, जो झुमके जो आते हैं वो लेने के लिए गई थी, बट मुझे कहीं पे मतलब ऐसा सेटिस्फेक्शन मिला ही नहीं, क्योंकि रात भी हो चुकी थी और पता नहीं मैं बहुत थक चुकी थी, तो मेरे को जो भी ऐसा लगा कि थोड़ा बहुत कुछ लेना चाहिए तो मैंने लिया है। तो ये है स्पॉन्ज, ब्यूटी ब्लेंडर बोलो, उसका एक पैकेट है, इसमें से एक यूज़ भी किया हुआ है, तो ये लिया है दीदी ने, क्योंकि उनको ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं होती, उनको कॉम्पैक्ट में उनका जो आता है वो टूट फूट चुका है, और फाउंडेशन लगाने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है, और उनको ऐसा ही चाहिए था जिसमें सारी चीज़ें अवेलेबल हो, क्योंकि वो प्रोफेशनली मेकअप नहीं करते, उनको ज़रूरत भी नहीं है, तो इस तरीके से उन्होंने लिया है जस्ट फॉर अ रैंडम यूज़। तो ये है एक चीज़, और ये पड़ा है मुझे 100 रुपीज़ में। ओके, इसमें कोई बार्गेनिंग नहीं थी, 100 रुपीज़ का ही मिला है,
और उसके बाद ये दीदी ने लिया है ये वॉच। या उनको एप्पल वॉच का बहुत शौक है बट हमारे बजट के बहुत बाहर है एप्पल वॉच, तो हम अभी खरीद नहीं सकते, तो हम इसी में खुश रहते। बट ये भी मतलब काफ़ी अच्छा है ये इस तरीके से। ओके, तो ये इस तरीके से बंद होता है एंड देन पता नहीं मैंने उल्टा, हाँ उल्टा ही पहनी है, इस तरीके से स्टार्ट होता है एंड देन टाइम दिखाता है। मतलब एक टाइप से अगर किड्स वॉच भी बोल दो तो चलेगा, बट उसको एक ऐसा अच्छा लगा था दूर से देखने के लिए कि चले ना चले बस पहनने में अच्छा लगे। तो ये लिया है और ये पड़ा है, स्क्रैच भी डाल दिया है, और ये पड़ा है उसको 100 रुपीज़ का। इसका भी उसने 150 बोला था बट हमने लास्ट में बार्गेनिंग करके इसको 100 रुपीज़ में लिया है। ओके, नेक्स्ट है वॉच अगेन। तो ये वॉच एक खरीदी है, ये है मेरी कज़न सिस्टर के लिए जो छोटी है अभी, तो उसको एक बड़ा डायल वाला ऐसा घड़ी चाहिए था जो हम ढूंढ रहे थे बट नहीं मिला था। तो फाइनली हमने दो तीन जगह देख के ये लिया है हमने। ये भी बहुत ही प्यारा है, वाइट कलर का ऐसे टेक्सचर वाला बेल्ट है, लेदर टाइप है, लेदर एंड प्लास्टिक लग रहा है मेरे को, और इस तरीके से बड़ा सा डायल है, बहुत ही प्यारा लग रहा है, उसको बहुत ही पसंद है, ऐसी चीज़ें उसको बहुत पसंद है। तो ये हमने ये लिया है और ये भी सेम 150 बोला था बट 100 में लिया है ये। ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट है ये पिंस, बहुत ही क्यूट लगे थे मेरे को जब मैंने देखा था ये। तो ये एक है कैट वाला और ये एक है क्वीन वाला। तो ये इस तरीके से है और ये मुझे पड़ा था 50 का 2, अगर 1 लेते हो तो 30 का दे रहा था बट मैंने 2 लिया इसीलिए मेरे को 50 में पड़ा था। तो इसका ये थोड़ा सा हॉल लूज है, तो ये मैंने पहन भी लिया है एक दो बार और ये भी गीता ने पहना था। तो ये भी बहुत अच्छा है, होल्डिंग बहुत टाइट देता है और ये बहुत ही क्यूट है 25 रुपीज़ में, तो ठीक है फिर। ओके, तो ये हो गया और उसी जगह से जब जहाँ से हमने पिंस लिए थे वहाँ पे ये बटरफ्लाई लिए हैं ऐसे छोटे छोटे, कहीं पे अगर जाना हो थोड़ा सा ही करना हो तो फिर ये बहुत ही प्यारे प्यारे तीन बटरफ्लाईज लिए हैं ऐसे। ओके, तो ये 5 रुपीज़ का एक है ईच, 5 रुपीज़। ओके, यहाँ तो ये इसमें है पिंक, ग्रीन और पर्पल, ये तीन कलर के ऐसे लिए हैं। ओके, उसके बाद मैंने लिया है ये एक मास्क जो मुझे ये चेक्स वाला एक चाहिए था बट मेरे को मिल नहीं रहा था, तो इसको मैं अभी डेटॉल से धोया है मैंने पूरी तरीके से अच्छी तरीके से, और उसके बाद मैं अभी तक यूज़ नहीं किया है बट मैं करूँगी आगे, तो मुझे ऐसा लेना था तो ये लिया, ये 25 का है। ओके, एंड लास्ट में मैंने बहुत ही क्यूट सी चीज़ ली है जो कि है आराध्या के लिए, आपने देखा ही होगा मेरे ब्लॉग में, बहुत सारे ब्लॉग में आराध्या जो लास्ट हमने गोलकोंडा वाला ब्लॉग है या फिर चार मीनार, इससे पहले वाला चार मीनार वाला ब्लॉग है, उसमें आराध्या हर जगह दिखेगी आपको। तो वो है मेरी प्यारी सी गुड़िया, मेरी बहन की बेटी, तो उसके लिए मैंने ये फोल्डिंग ग्लासेस लिए हैं ऐसे। ओके, तो ये यहाँ से ऐसे फोल्ड होते हैं, यहाँ से ऐसे फोल्ड होते हैं और यहाँ से भी फोल्ड और यहाँ से ऐसे फोल्ड हो जाते हैं, सी हाउ क्यूट। तो ये मुझे देख के बहुत ही सुंदर लगा था और मैं कहीं पर भी जाती हूँ मैं अपने ये चीज़ें ना भी खरीदूँ बट मैं आराध्या के लिए कुछ ना कुछ लेके जाती हूँ। तो ये लिया है, मुझे एक वॉच भी लेना था बट नहीं ले पाई, बट ये लिया है मैंने। एंड आराध्या, इफ़ यू सी दिस, आई लव यू सो मच, आई मिस यू सो मच, और बेबी डॉल तेरे लिए मैं बहुत कुछ लूँगी, ठीक है? सो जल्दी से आ जाना मेरे पास। ओके, सो दिस इज इट गाइस, ये लास्ट क्यूट सी चीज़ है जो मैंने उसके लिए परचेस की है और ये मुझे बहुत ही पसंद है और मैं इसको बहुत ही संभाल के रख रही हूँ कि एटलीस्ट उस तक पहुँच जाए वो एक दो बार पहन ले तो, ठीक है। और ये अगेन ये पड़ा है मेरे को 50 रुपीज़ का, ठीक है, इसका भी 70 बोल रहा था बट 50 में उसने बार्गेनिंग करके दिया है। ओके, तो अब लास्ट में था ये। ओके, तो मैं एक चीज़ दिखाना भूल गई, ये था ये है, ये पहन चुकी हूँ इसलिए मैं थोड़ा गंदा हो चुका है। ये दीदी ने अपने लिए लिया है, ये इस तरीके से सैंडल है,
ऐसा। ओके तो ये लिया है 150 में, वहाँ पे बहुत सारे। अगर आपने चार मीनार का ब्लॉग नहीं देखा तो मैं तो बोलती हूँ अभी जाके पहले वो देखिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे प्राइजेस के अपडेट्स मिल जाएंगे आपको। तो वहाँ पर हमने लास्ट में मैंने दिखाया था आपको एक जगह पे बहुत सारे सैंडल्स वगैरह रखे थे जो कि 150 में थे, शूज़ भी 150 में थे। तो इस तरीके से इसको बस एक ही चीज़ है कि इसको आपको डबल पूरा सिलाई लगाना पड़ेगा तो ये चलेंगे, अदरवाइज ये थोड़ा सा ऐसा आता है कि मतलब डेलिकेट आता है कि जल्दी से टूट जाता है। ओके तो दैट वाज इट गाइस, बस इतनी चीज़ें मैंने खरीदी थी और इतना ही सामान था क्योंकि समय बहुत ही कम था, मुझे व्लॉग भी बनाना था, फिर मुझे टाइम से घर भी पहुंचना था, तो बहुत सारी चीज़ें थी तो मैं ज़्यादा कुछ खरीद नहीं कर पाई। बट अगर मैं करती हूँ तो मैं श्योरली वीडियोस बनाऊंगी। एंड या गाइस, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कौन से वीडियोस ज़्यादा पसंद आ रहे हैं, कौन से वीडियोस आप देखना चाहते हो, तो मैं और ज़्यादा अच्छी तरीके से वो वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगी और एक्सप्लोर करने की कोशिश करूँगी। और अगेन गाइस, थैंक यू सो मच मेरे ब्लॉग को इतना सारा प्यार देने के लिए। धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रही है बट होगी। ओके तो मैंने ये बोला था कि एज प्रॉमिस मैंने ये बोला था कि मैं लास्ट में आपको एक चीज़ बताने वाली हूँ, एक मैसेज है लास्ट तक देखना। तो ये वो मैसेज ये है कि जब हम लोग चार मीनार गए, पहले तो मैं सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ जो भी ये ब्लॉग देख रहे हैं, वहाँ के वेंडर्स हैं, वहाँ के शॉपकीपर्स हैं, जो भी है सबको बिग बिग थैंक यू, क्योंकि वो लोग बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही पोलाइट है, बहुत ही अच्छे तरीके से हर चीज़ दिखा रहे थे, बहुत ही इंटरेस्ट के साथ हमें इन्वाइट कर रहे थे कि मैडम आप आ जाओ यहाँ का ब्लॉग ले लो। क्योंकि बहुत जगह मैंने ये फेस किया है, इवन सूरत में भी मैंने ये फेस किया है कि वहाँ के जो वेंडर्स होते हैं वो आपको वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउड नहीं करते क्योंकि उनको लगता है कि उनके डिज़ाइंस कॉपी हो जाएंगे एंड ऑल दैट, उनके पर्सनल अलग इश्यूज़ है। बट यहाँ पर मैं सीरियसली थैंक यू सो मच दिल से बोलना चाहती हूँ कि आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिया हम लोगों को। मतलब मैं एक न्यू ब्लॉगर हूँ, मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ, फिर भी मुझे इतना सारा प्यार देके वो लोग बुला रहे थे, इतना सारा मतलब रिस्पेक्ट के साथ सब कुछ दिखा रहे थे, बहुत ही डिटेल के साथ वो लोग इंटरेस्ट लेके सारी चीज़ें शेयर कर रहे थे मेरे साथ। थैंक यू सो मच आप सभी का। और हाँ गाइस, मैं ये बात बताना चाहती थी कि लास्ट में क्या हुआ था कि हम लोग सारी शॉपिंग करके निकल चुके थे, जो लास्ट में मैंने रिक्शा स्टैंड दिखाया था जहाँ से कैब वगैरह आती है, तो वहाँ से मैंने कैब बुक करी थी। तो मेरे को 10 मिनट्स 15 मिनट्स लग रहे थे कैब का वेट करते करते। ओके तो वहाँ पे क्या हुआ कि एक बंदा है मेरे पास और वो पता नहीं उसने मेरे को पहचाना, पता नहीं वो मेरा सब्सक्राइबर था या फिर इंस्टाग्राम से, पर वो मुझे जानता था। ओके तो उसने बोला कि मैं आपको जानता हूँ और मुझे आपके साथ एक सेल्फ़ी चाहिए। सो पहले तो मुझे बहुत ही अजीब, मतलब अजीब नहीं, खुशी हुई, अजीब भी लगा थोड़ा सा कि पहली बार मुझसे मतलब ऐसा फैन मोमेंट टाइप हुआ था मेरे साथ कि कोई मेरी सेल्फ़ी मेरे साथ लेना चाहती है। तो मेरे को थोड़ा मतलब मैं बोला ठीक है चलो कोई बात नहीं ले लो। तो वो दो तीन लोग थे, टीनेजर्स थे, तो वो लोग मेरे साथ सेल्फी लेने लगे। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, सडनली लोग आने लगे और लोगों को पता नहीं है, मतलब इमेजिन उनको पता नहीं मैं कौन हूँ, उनको पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ, बट उन सबको सेल्फी चाहिए थी। ठीक है, चाहे वो लेडी हो चाहे वो बॉयज़ हो, तो सब लोग मेरे साथ अलग अलग सेल्फीज़ ले रहे थे और कोई एक शब्द नहीं बोला कि आप कौन हो और आप क्या करते हो, किसी ने नहीं पूछा, बस सब लोग सेल्फी ले रहे थे। बट फिर लास्ट में ऐसा मोमेंट आया कि हम लोगों को सबको मना करना पड़ा कि नहीं अब हो गया भाई। और मैं तब अनफॉर्चुनेटली मैं कैमरा ऑन नहीं कर पाई क्योंकि इतनी भीड़ थी, इतना कुछ समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है, क्योंकि सडनली सारी चीज़ें हो गई, एक ने स्टार्ट किया फिर दूसरे ने फिर तीसरी आई चौथी आई, ऐसे ऐसे करके बुरा हो गया। बट सीरियसली गाइज, आई एम सो थैंकफुल कि मुझे एक वो एक होता है ना, एक आपको फ्यूचर की झलक मिल गई कि मुझे ऐसा कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं मैं उस लेवल तक पहुंच सकती हूँ। तो इसी वजह से मैं अब टाइनी स्टेप्स आगे बढ़ा रही हूँ और मैं बहुत सारे वीडियोस बनाना चाहती हूँ आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ 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 सपोर्ट करें, शेयर करें वीडियो को, लाइक करें वीडियो को, कमेंट करें, और जो कोई भी ये वीडियो देख रहा है थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, क्योंकि आप लोगों का सबसे बड़ा हाथ है मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए और मेरे वीडियोज़ को इतना सारा प्यार देने के लिए। ओके गाइज, तो दैट वॉज इट आज के लिए, इतना ही, और मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। सो तब तक के लिए Keep smiling.